हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ थर्ड सेशन ऑफ वुड मैनेजमेंट ओके सो आज हम लोग देखेंगे सिलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड एंड और भी बहुत कुछ राइट right? तो सिलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड जो है आज हम लोग स्टडी करेंगे राइट right? तो देख लेते हैं सिलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड क्या होता है सिलेक्टिविटी किसको बोलते हैं अगर हम एक हर्बिसाइड अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या करता है वो जनरली वीड्स को कंट्रोल करता है एंड प्लांट्स को वो आ, कुछ हार्म नहीं करता है प्लांट्स को राइट तो वो जो फिनमना है वो जो सिलेक्टिव कंट्रोल ऑफ दैट वीड है उसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड नो हर्बिसाइड इज कम्पलीटली सिलेक्टिव अगर हम एक हर्बिसाइड है उसको हम ज़्यादा क्वान्टिटी उसका जो रिकमेंडेड डोज है उससे दो गुना तीन गुना दस गुना अप्लाई कर रहे हैं तो वो सिलेक्टिव हर्बिसाइड भी नॉन सिलेक्टिव बन जाता है राइट और नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड को भी हम सिलेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट प्रोटेक्टिव मेकानिज्म प्रोटेक्शन लाइक कुछ फूड यूज करके हम अगर प्रोटेक्ट लाइक पॉइंट अप्लीकेशन करते हैं तो वो भी नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड एज सेलेक्टिव हर्बिसाइड यूज हो सकते हैं राइट तो वट इज़ एक्टिविटी एंड वट इज सेलेक्टिविटी वट इज़ द डिफ्रेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी एक्टिविटी जो है वो पोटेंशियल है और जो केमिकल हर्बिसाइड है उसका पोटेंशियल है टू कंट्रोल दैट प्लांट और वुइड और वट एवर ऑन विच वी आर अप्लाइंग एंड सिलेक्टिविटी मतलब एक मिक्स uh, फ्लोरा में मिक्स अगर प्लांट और वेड दोनों मिक्स होकर है और उसमें से प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं मतलब प्लांट को हार्म नहीं कर रहे हैं और वेइड को हार्म कर रहे हैं किल कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी राइट सिलेक्टिविटी इज ड्यू टू डिफरेंट मेकेनिजम्स आर देयर लाइक डिफरेंशियल ऑब्जर्बसन डिफरेंशियल ट्रांसलोकेशन डिफरेंशियल डीएक्टिवेशन डिफरेंशियल प्रोटोप्लाजम रेजिस्टेंस देन मल्टीफैक्टर हार्विशल सिलेक्टिविटी सो दिज आर सटन मेकेजमच कंट्रीब्यूट टू हार्बिसाइड सिलेक्टिविटी देन अगर हम सब लिथल अप्लाई कर सकते हैं हार्बिसाइड सब लिथल डोज अप्लाई करते हैं तो कुछ प्लांट में उसको स्टिम्युलेटरी इफेक्ट दिखाया जाता है जैसे जा कि फिनॉक्सी हॉर्बिसाइड ट्रायाजिन यूरासिड अगर हम अप्लाई करते हैं सब लिथल डोज में तो आज ए हॉर्मोन ये, ये, ये यूज होता है देन इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन टू फोर डी स्टोर लाइक जो टेन टू ट्वेंटी पीपीएम अगर हम अप्लाई करेंगे तो फिर बीन ईल जो है इंक्रीज होता है टेन टू टी ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट इट वॉज रिपोर्टेड देन रिपोर्ट टू इंक्रीज ग्रोथ ईल प्रोटीन कंटेंट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट वाइटामिन ऑयल कंटेंट नाइट्रेट सी जर्मेशन इंक्रीज होता है सो दिस आर सर्टन सॉबलीफेक्ट ऑफ हर्बिसाइड एनहांसमेंट राइट हार्बिसाइड एल कॉम्बिनेशन टाइप एडवाटेज लिमिटेशन अगर हम हर्बिसाइड कॉम्बिनेशन कैसे चूज करेंगे अगर दोनों हर्बिसाइड मिला के अगर उसका जो इफेक्ट जो है बढ़ जाता है उसका सिलेक्टिविटी बढ़ जाता है तो वो सुइटेबल है जो हर्बिसाइड है वो स्टिमुलेटरी है और वो सुइटेबल है मतलब उसको कम्बाइन करना सुइटेबल रहता है देन हार्बी रोटेशन एक साथ एक ही हर्बिसाइड हम लोग बार बार अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो रजिस्टेंस डेवलप कर सकता है हार्बिसाइड को रोटेट करना चाहिए हमेशा राइट right? एंड दैट टू सिलेक्टिव हर्बिसाइड एंड दैट टू क्रॉप स्पेसिफिक हर्बिसाइड जो है रोटेट करना चाहिए देन हर्बिसाइड इंट्रैक्शन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्बिसाइड इंट्रैक्शन आर दर लाइक सिनरजिस्टिक एंड आडिटिव इंट्रैक्शन जैसे कि आ, ये क्या होता है अगर दो हरवी साइड हम ऐड करते हैं तो उसका जो सिलेक्टिविटी है और एक्टिविटी है वो बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं सीनर्जिस्टिक एंड एडिटिव इंट्रेक्शन तो ये क्या कौन सी कौन सी एक्जाम्पल है टू फोर डी एंड क्लोरोप्रोकम अगर हम आप ऐड करते हैं एक साथ टू फोर डी और डाइकैम कैमरा एक साथ अप्लाई करते हैं टू फोर डी ट्रायाजिन एक साथ अप्लाई करते हैं और एट्राजिन और अलाक्लोर अगर एक साथ हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसका सिलेक्टिविटी बढ़ जाता है देन एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या है अगर हम दो हर अप्लाई करते हैं तो उसका सिलेक्टिविटी और एक्टिविटी कम हो जाता है वो फाइडोटॉक्सिस इफेक्ट भी दिखा सकते हैं तो जैसे हो गया ई के साथ टू फोर डी टू फोर फाइव और डाई कैमरा वो एंटागोनिस्टिक है सिमाजिन और आइट्राजिन के साथ ग्लाइफोसेट ये एंटागोनिस्टिक है पैरापोट के साथ ग्लाइफोसेट ये भी एंटागोनिस्टिक है देन हर्बिसाइड एंड एंटीरोड रोड इंट्रैक्शन एंटागोनिस्टिक जैसे कि आर टू फाइव सेवन डबल ए सी डी ए रिड्यूस टॉक्सिसिटी ऑफ आलाक्लोर ब्यूटाक्लोर एंड ब्यूटालाइट एंड ई पी टी सी एन ए रिड्यूसेस बारबान एंड ई पी टी सी एक्टिविटी ओके देन हर्बिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड इंट्रैक्शन जैसे कि मोनोयरन डायोरन फोरेट में अगर अप्लाई करते हैं या फिर मेट्रीफ्यूजन फोरेट ये अगर एक साथ अप्लाई करते हैं या फिर एला क्लोर के साथ कार्बोफ्लोरन अप्लाई करते हैं तो फिर जो इसका जो इफेक्ट हो इफेक्ट है वो रिड्यूस होगा राइट right. देन इल रिडक्शन होगा फाइट्रोटॉक्सिटी इफेक्ट दिखा सकता है देन हर्बिसाइड फर्टिलाइजर इंट्रेक्शन जैसे कि अमोनियम सल्फेट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ ग्लाइफोसेट राइट सो ये था कुछ हर्बिसाइड इंट्रेक्शन विथ अदर एग्रोकेमिकल उसके बाद तो परसिस्टेंस हर्बिसाइड परसिस्टेंस का मतलब क्या है हर्बिसाइड जो रेसिडुअल इफेक्ट कितना रहता है राइट right? ये एक अनडिचारेबल फेनोमेना है अगर हर्बिसाइड एक क्रॉप सीजन के दूसरे क्रॉप सीजन में अगर रह गया सॉइल में तो फिर वो फाइटोटॉक्सिक हो सकता है नेक्स्ट क्रॉप जो हम प्लांट करेंगे राइट right? सो फेट ऑफ हर्बिसाइड डिपेंड्स ऑन माइक्रोवल प्रोसेस एंड बायोडिग्रेडेशन केमिकल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन एडजोशन बाई सॉयल क्लोइ प्लांट ऑफ टेक वर्टिलाइजेशन लीचिंग सर्फेसन ऑफ ये कुछ आ, जो है फैक्टर्स ये अफेक्ट करता है फेट ऑफ हर्बिसाइड इन सॉयल ओके सो कुछ रेसिडुअल हर्बिसाइड हर्बिसाइड है उसका रेसिडअल इफेक्ट कितने दिन तक रहता है जैसे टू फोर डी हो गया इसका जो रेसिडुअल इफेक्ट रहता है टू टू थ्री वीक्स तक रहता है एमसीपीए जो है इसका रेसिडुअल इफेक्ट सिक्स टू एट वीक्स तक रहता है मोस्ट परसिस्टेंट हर्बिसाइड राइट दो साल तक लगभग रह सकता है इसका जो रेसिड्यल इफेक्ट है प्रॉब्लम है मैं बता दिया इसको फाइट्रोटॉक्स इफेक्ट दिखा सकता है राइट देन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है देन इसको मैनेज कैसे करेंगे मैनेज करने के लिए ऑप्टिम डोज ऑफ हर्बिसाइड इसको अप्लाई करेंगे क्रॉप रोटेसन करेंगे यूज ऑफ नॉन फाइट्रोटॉक्स ऑयल लाइक एक्टिवेट चारकोल यूज करेंगे देन यूज ऑफ हर्बिसाइड सेफिनर यूज करेंगे देन करें, लीचिंग कर सकते हैं ये कुछ मैनेजमेंट ऑप्शन है टू रिड्यूस हर्बिसाइडल रेसिड्यू देन हर्बिसाइडल हर्बिसाइड का एन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर है वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है जैसे कि बेनिफिशियल माइक्रोव हो गया बेनिफिशियल जो इंसेक्ट हो गया उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है राइट और भी कुछ हो जैसे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो गया राइट वाटर बॉडी में कंटेमिनेशन भी हो सकता है देन इंटीग्रेटेड वेट मैनेजमेंट इसको क्यों करना पड़ेगा इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट का मतलब क्या है जो हर्बी साइड हम लोग हर्बी साइड और भी डिफरेंट जैसे कल्चरल मैनेजमेंट हो गया फिजिकल मैनेजमेंट हो गया और मैकेनिकल मैनेजमेंट हो गया देन बायोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गया इसको एक जुडिशियसली यूज करेंगे ताकि हमारा जो वेड कंट्रोल हो ओकि वेट का जो पॉपुलेशन हो इकोनॉमिकली इंजुरी लेवल और इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल जो है उससे कम में रहे हम हम उइड को टोटली इराडिकेट नहीं करते हैं लेकिन एक सस्टेनेबल वे में उसको कंट्रोल करते हैं ताकि हमारा एल भी हायर हो और इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन हो तो इसके लिए इंटीग्रेटेड उइड मैनेजमेंट किया जाता है राइट देन हर्बिसाइड रेजिस्टेंस देखते हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्या है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस हर्बिसाइड रेजिस्टेंस इज द इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ उइड और पॉपुलेशन टू सरवाइव एन एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड दैट इज नॉर्मली लिथल टू द फास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ दट स्पेसिज ओके ये डेफिनेशन गिवन बाय पावेल लेटल इन 1997. तो सेवन तो हर्बिस है एक हर्बिस uh, uh, जो वीड है वो पर्टिकुलरली एक हर्बिसाइड को क्या है ससेप्टेबल रहता है लेकिन कुछ दिन बाद वो क्या होता है वो नॉर्मल जो हर्बिसाइड एप्लीकेशन डोज है उसको वो लाइक उसको रेजिस्ट कर सकता है उसको अप्लाई करने से उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है तो उसको बोलते हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंस ये एक इनहेरेंट एबिलिटी है हर्बिसाइड का जो है विड का राइट right? तो ये डिफरेंट जैसे म्यूटेशन से भी डेवलप हो सकता है या फिर सिलेक्शन से भी डेवलप हो सकता है राइट right? सो इन द वर्ल्ड फर्स्ट जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस पाया गया था वो है एक्ट्रेजिन रेजिस्टेंस इन कॉमन ग्राउंड सेल और सेनेशियो वलगरिस इन 1970 सेवेंटी देन फैक्टर्स अफेटिंग हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस को इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल देन नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल ट्रीटेड ओके मोड ऑफ एक्शन और इनहेरिटेंस ऑफ जीन एंड देन नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हर्बिसाइड यूज दीज आर सर्टन फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग हर्बिसाइड रेजिस्टेंस स ड्यू टू टारगेट साइड मॉडिफिकेशन इसमें रजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है टारगेट साइड मॉडिफिकेशन ओके तो हर्बिस जो वेसिज है जो कि रेजिस्टेंस देते हैं इसमें ये जो मेकानिज्म को वो कौन सी कौन सी है लोलियम रिजिडम अभिना फाटुआ दिस दिस हर्बिसाइड्स आर जनरली रेजिस्ट टू एसिज इनिविटर हर्बिसाइड्स देन रेजिस्टेंस टू एसिटोलैक्टेड सिंथे एसिटोलैक्टेड सिंथेस जो है कौन सी कौन सी हर्बिसाइड है सोल्फोन यूरिया मिडोजोलिन ट्रायाजोपेमेडिन रेजिस्टेंस मेकानिज्म क्या है यहाँ पे एनहांस मेटाबोलिज्म डिपेंडेंट सा माइक्रोजोमल कॉम्प्लेक्स ओके यहाँ पे एनहांस्ड मेटाबोलिज्म होता है आ, कौन सी है लोलियम रिजिडम देन रेजिस्टेंस टू पी एस टू हर्बिसाइड पी एस टू हर्बिसाइड कौन सी कौन सी है ट्रायाजिन फिनाइल यूरासिल एक्सेट्रा दिस आर नोन एज पी एस टू जो हर्बिसाइड ओके आ, इसका जो मेकानिज्म है वो ग्लूटाथियन ग्लूटाथ्रांसफोरेटेड मेकानिज्म है साइटोक्रॉम पी फोर फिफ्टी एनहांस मेटाबोलिज्म है जो वीड्स है इसको रेजिस्टेंस दिखाता है वो है लोलियम, रिजिडम राइट देन मल्टीपल हर्बिसाइड रेजिस्टेंस किसमें किसमें पाया जाता है जो है लोलियम रिजिडम अवेना, मायोसुरियर, इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस भी पाया जाता है देन मैनेजमेंट कैसे करेंगे हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जो है डेवलप होता है उसको मैनेजमेंट कैसा किया जाता है उसके लिए इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट बेस्ट है बेस्ट है देन यूज ऑफ हर्बिसाइड विथ डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड जो है डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड जो है उसको कंबाइन करके हम यूज करके करते हैं और रोटेशन उसको करते हैं देन यूज यूज ऑफ ट्रांसजेंडिंग हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप यूज करते हैं राइट right? ट्रांजेंड यूज हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप यूज करने से हम लोग अगर हायर डोज में देते हैं हर्बिसाइड तो वो वेट कंट्रोल हो जाता है जो कि नॉर्मली जो डोज रिकमेंडेड था उसमें वो रेजिस्ट कर पाता है उसको फिर डोज बढ़ाने से वो कंट्रोल हो जाता है लेकिन वो हर्बिसाइड रिकमेंडेड नहीं किया जाता है उसके बाद तुरंत उसको बैन कर दिया जाता है जिस हर्बिसाइड uh, जो रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं देन हर्बिसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप जो है uh, जो कि ग्लाइफोसाइड रेजिस्टेंस जीन कहाँ से मिलता है ग्लाइफोसिट रेजिस्टेंस जीन फ्रॉम एग्रो बैक्टेरियम दैट इज एग्रो बैक्टेरियम सी पी फोर्स जो स्ट्रेन है ये यूज किया जाता है ग्लाइफोड रेजिस्टेंस ई पी एस पी सिंथेसिस को ब्लॉक करने के लिए ग्लाइफोसाइड ऑक्सीडाइजिंग जीन जो है जियो एक्स जीन फ्राम बैक्टेरियम एक्रोम बैक्टर इसको भी यूज किया जाता है ग्लाइफोसाइड रेजिस्टेंस जीन के हिसाब से देन जो ग्लाइफोसाइड रेजिस्टेंस क्रॉप कौन सी कौन सी डेवलप हुआ है सोयाबीन कॉटन मेज

वुड कंट्रोल इन इंटरक्रॉप सिचुएशन जैसे कि व्हीट प्लस ग्राम हो गया वहाँ पर आई सो है व्हीट प्लस मस्टर्ड हो गया वहाँ पे भी आईसो प्रचूल रिकमेंडेड है व्हीट प्लस पॉलिस जैसे कि मूंग बीन हो गया वहाँ पे ब्लूटा क्लोर रिकमेंडेड है मेज प्लस कापी वहाँ पे अलग फ्लोर रिकमेंडेडेडेडेडेड है एंड स्वर्गम प्लस ब्लैक ग्राम वहाँ पे भी अलग क्लोर रिकमेंडेडेडेडेडेड है प्लस पिजन पी वहाँ पे वहाँ वे रिकमेंडेड है पिजन पी प्लस ग्राम रोड वहाँ पर फ्लू क्लोइन रिकमेंडेड है देन सर्टन प्रॉब्लमेटिक वीड जैसे कि साइप्रस हो गया सैनब्लोन डटेलिन हो गया देन एक्वेटिक वीड राइट देन पैरसाइटिक विड ट्रैप एंड कैच क्रॉप दिज आर ऑल ऑफ दिस थिंग्स यू हैव टू कवर फ्रॉम टेक्सट बुक राइट और मेरा भी जो वीडियोज uh, लेक्चर भी आता है यूट्यूब में आप उसको भी देख सकते हो वहाँ पर ये सारी चीज़ कवर्ड है ऑलरेडी देन जो ट्रैप क्रॉप और कैच क्रॉप क्या होता है ट्रैप क्रॉप एक जनरली एक केमिकल सिंथीसिस करता है उसके रूट के माध्यम से जो कि एन्हांस करता है जॉर्मिनेशन ऑफ द उइड कैच क्रॉप क्या होता है ये एक पैरासाइटिक एक्शन टाइप का होता है इसके ऊपर वीड ग्रो करता है और कैच क्रॉप इज जनरली सेक्रीफाइज सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम में आने वाला है या फिर आ चुका है जो कि Uh, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑल्टरनेट होस्ट ऑफ राइस टेम्बर ये बार बार पूछा जाता है जो कि है एक्कानोकुलर स्पेसिस है अल्टरनेट होस्ट ऑफ ब्लैक क्रॉस्ट ऑफ व्हीट एग्रोपायरन डिपेंड्स है ऑल्टरनेट होस्ट ऑफ एरगट ऑफ बाजरा दैट इज सेंक्रोसिलियरिस ऑल्टरनेट होस्ट फॉर हेयरी कैटरपिलर इन कॉटन दैट इज क्रोटलरिया जॉन्सिया ऑल्टरनेट होस्ट ऑफ ल्यूसन लीफ कैटरपिलर दैट इज एक्सपेरा ये कुछ वीड्स है जो कि ऑल्टरनेट होस्ट फॉर डिफरेंट पाथोजेंस एंड इंसेक्ट ये यूज होता है देन एनुअल वीड जो है साइप्रोस एरिया जो है वो एक एनुअल वीड है राइट डिफरेंट साइप्रस स्पेसिस में से साइप्रस एरिया जो है एनुअल है बाइनियल कौन से चिकोरियम इंटेबस ये बाइनियल बायनियलविड है वर्ल्ड ओस्ट हुईड ये किसने प्रपोज किया था होल मेटल देन वेड स्पेसिज एग्जूर्स परफ्यूम्ड कार्बन कंपाउंड इन टू सॉयल विच एनहान्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी नाइट्रीफिक बैक्टीरिया दैट इज नॉर्थ सेज और साइप्रस रूटउंडस ये एक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जो कि डीनाइट्रिफिक बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करता है एनहांस करता है देन स्टार्बेशन टेस्ट इन बायोजेंट डॉन टू टेस्ट इट्स होस्ट स्पेसिफिसिटी uh, कोई भी uh, जैसे बायो एजेंट हम लोग रिलीज करने वाले होते हैं उससे पहले स्टारबेशन टेस्ट किया जाता है क्योंकि उसका पोटेंशियल दिखा जाता है कि वो दूसरे क्रॉप को अफेक्ट करता है कि नहीं उसको बोलते हैं स्टार्बेशन टेस्ट राइट right. देन बायो कंट्रोल एजेंट जो है लांटाना का हमारे के लिए किया है क्रोसिडोजेमा लांटाना टेल्योनेमा स्फुलोसा देन लोजिडरम स्पिनिफॉर्मिस देन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर ब्रूम रेप फाइटोमाइजा स्पेसिस बायो कंट्रोल एजेंट फॉर डोडोर मेलियो मेलिन मेलानो एग्रोमाइजा कोस्कुटा

Biocontrol agent for canary grass or Phalaris minor that is Trichoderma viridae Then uh, biocontrol agent that is generally attacks the niger crop that is epiblema stenoma. Then uh, causes rost disease in Parthenium that is boxinia abrupta. Then fermented product of Streptomyces hygroscopicus. Fermented product of Streptomyces hygroscopicus that is known as ABG five double zero three. Then chloropicrin that is tear grass the formula is CCl three NO two. Fast synthesized herbicide? Concia,

ग्रीन विट्रल का फॉर्मूला क्या है एफ ई एसओ फोर ब्लू विट्रल जो है कॉपर सल्फेट है पोटर डी डीहॉलमिंग के लिए कॉपर सल्फेट यूज होता है एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर आलजीसाइड राइट डी डीहॉलमिंग एंड आलजीसाइड के हिसाब से भी यूज होता है देन परमानेंट सॉयल स्टेरलैंड के लिए क्या यूज किया जाता है सोडियम क्लोरेट हर्बिसाइड प्रीफरेबल टू स्प्रे इन मेज इन ड्यूरिंग ड्राई पीरियड इन दैट इज सिमाजी बिकॉज सिमाजिन इज सिक्स टाइम हायर वाटर सॉल्युबल देन आट्राजिन

দট ইজ চ'ফ ইউৰিয়া গ্ৰুপ এই পি এছ পি চিন্থেচিছ ইন দাইফে কোন কোন আমিন অচেড ৰডিউছ কৰিপ্টোফেন টাইৰোছিন এণ্ড ফিনা আলানাইন ৰাইট সিলেক্টিভিটি অফ প্ৰিলন ৰাইচ ডিউ আমি আমোনিয় একোমলেচন ইন প্লান্ট ডিউ ট আমোনিয়া যাৰবিচাইড এপ্লাই কৰা হৈছে আমোনিয় অকোমেল প্লান্ট মই পেণ্টেনিক এছিড প্ৰশন যন ৰিডিউজ কৰমিক্স কিয় एक हर्बिसाइड मिक्सचर है जो कि मेट सल्फोरन मिथाइल प्लस क्लोरिम्यूरोन इथाइल होता है एटलांटिस क्या है मेट सल्फोरन मिथाइल एंड आयोडो सल्फोरन मिथाइल होता है इलेक्ट्रॉन डायवर्जन इन पीएस एस वन जो कौन सी कौन सी हर्बिसाइड यूज होता है बाइफेरिडिलम जो कि पाराक्वाड डाइक्वाड साइफर देन गेस्प्रिन एंड अट्राटाफ सोलारो दिज आर ट्रेड नेम ऑफ अट्राजेन राइट देन फैमिली कुछ हर्बी का फैमिली देख लेते हैं इम्पोर्टेंट हार्वी जो वुड है उसका फैमिली कैलोट्रोपिस का फैमिली क्या है एस्कलेपिडासी ब्लू नेल का फैमिली है प्राइमुलसी कैनाडा थी का फैमिली है आस्ट्रासी रेड वुड और मेलोचिया का फैमिली है स्टोरकोलियासी वाट्रोसिन का फैमिली है पोन्टेडेरियासी लंटन कैमेल का फैमिली है भारबेनासी मैक्सिकन पॉपी का फैमिली है पापा भरासी चिक्कोरी का आस्ट्रासी फाइलेंथउस का यूफोर पिस्टिया का आरसी पंक्चर वहन का झाइग्रो फाइल बैक नाइट और जो फ्लेमी गोल्ड सेड ग्राउंड सेड उसको बोलते हैं सोलन सी उसका फैमिली स्ट्री अर्बेंसिस का सर्टन इंपॉर्टेंट वर्ड का जो है फैमिली जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है देन अमेरिकन सोसाइटी ऑफ साइंस जो है कब एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में इंडियन सोसाइटी ऑफ फिर साइंस जो है कब एस्टेब्लिश हुआ था 1968 में एलिलोपाथी जो है ग्रीक वर्ड है इसको कौन कॉइन किया था इसको मैं बता चुका हूँ हांस मोलिस में इन 1937 थर्टी टू फोर्टी मेनली डिकम्पोज बाई बायोलॉजिकल मेथड दैट इज एसपोलोस नाइजर जो है इसको डिकम्पोज करते हैं टू फोर्टी को

डिफरेंट प्लेस से डिफरेंट प्लेस को जाता है उसको बोलते हैं आलियन वथ्रोफाइट अंथ्रोफाइट जनरली आलियन वइड को अंथ्रोफाइट बोलते हैं और अपोफाइट जो है फैसलेटी वुड को बोलते हैं अपोफाइट ऑरिजिन ऑफ वाटर हाइसेंट कहाँ पर ऑरिजिन होता है ब्राज़ील ट्रॉपिकल अमेरिका स्वर्गम हेलिपैंस कहाँ पे ऑरिजिन होता है साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका से यह जनरली एशियन कंट्री को डिसिमिनेट हुआ है और वाटर हाशिथ जो है ब्राज़ी से डिसिमिनेट हुआ है और पुनसिया वज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया Importance value index है वो कौन थे? फिलिप ने 1959 में किंग पंक्चर वाइन जो है ब्रॉड इंडिया फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस वाज कॉज्ड बाय ट्रिपानो ट्रिपानो राइट अफ्रीकन स्लीपिंग कॉल्ड जोमियास सो ये था टोटल जो प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी का जो वीड मैनेजमेंट सेक्शन था हम लोग कवर कर लिए डिफरेंट से जो टॉपिक है वीड मैनेजमेंट का हम लोग इस टॉपिक में कवर कर लिए इस लेक्चर में राइट तो आपको करना क्या है आपको थोरोली जो है टेक्स्ट बुक पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी हो या फिर अगर आप स्पेसिफिक वीड मैनेजमेंट के बारे में और भी ज्यादा जानते हैं तो जानना चाहते हैं तो फिर वीड साइंस बेसिक्स एंड एप्लीकेशन बाई आप फॉलो कर सकते हैं राइट तो बने रहिए हमारे साथ हमारा जो दूसरा भी लेक्चर्स है अपडेटेड लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट हो आप फ्रीली कमेंट करके पूछ सकते हो सो यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन बाय बाय